एजुकेशन कम्युनिटी एक सोच बिलासपुर में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करने के बाद पहुंच चुका है आपके शहर रायपुर में। बिलासपुर में जिस तरह से बच्चों ने इस नए प्रयोग में हिस्सा लिया और उसके बाद जो उनका फीडबैक था, हमने एक YouTube पर वीडियो भी अपलोड किया, उनका फीडबैक आप सुन सकते हो। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जो अंबिकापुर से आए थे, सरगुजा से आए थे, कवर्धा से भी आए थे, वो बच्चे यहाँ तक पहुँचे थे और कुछ ना कुछ सीख कर गए थे। हम जब सुबह हल्की से जब धूप हमारे ऊपर पड़ रही थी, हल्का सा सूरज निकला हुआ था, जब हम उसको देखते हुए हल्का सा अपने चेहरे पे धूप लेते हुए जब हम टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे थे ना, तो हम सामने विजुअलाइज कर पा रहे थे कि हमारा कैरियर किस तरफ जा रहा है। तो उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, अब सीखने की बारी आपकी है। तो आपके पास में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है और चाहें तो आप रायपुर के अगर आसपास के एरिया में भी रहते हैं, अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो ज़रूर आएँ। और दुर्ग वाले बच्चे डबल अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? दुर्ग वाले में भी पार्टिसिपेट करते हैं, रायपुर वाले में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्यों? एक सोच जो है रायपुर पहुँच चुका है, 11 तारीख को दुर्ग भी पहुँचेगा और इसके बाद आपके शहर का भी बारी है अगर आप इन दोनों शहर में नहीं रहते हैं तो। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी एक सोच के तहत कि आप रायपुर के सेंट्रल लाइब्रेरी में 4 तारीख को पहुँचे, सुबह 7 बजे से 8 बजे टेस्ट दें और उसके बाद कंपटीशन कम्युनिटी के सीनियर फैकल्टीज द्वारा एक जो मेंटरशिप प्रोग्राम कराया जा रहा है उसका भी हिस्सा बने, लाभ लें, अपने सवालों को उनसे पूछें, क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो अब आप थोड़ा सा और सीरियस हो जाइए। बढ़िया एक सीजीपीएससी पैटर्न पर आपको वहां पर 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो पूरी तरह से सीजीपीएससी पैटर्न पर होंगे। आप उनको सॉल्व करें और सॉल्व करते समय देखिए कि कहां पर कमी रह जा रही है या फिर अगर आप उसमें बेहतर कर रहे हैं तो और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो 4 तारीख को सेंट्रल लाइब्रेरी के आउटडोर कैंपस में कॉम्पिटिशन कम्युनिटी एक सोच इस इनिशिएटिव में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया हुआ है, वेबसाइट पर विजिट करें या फिर एप्लीकेशन पर विजिट करें, कहीं भी आप जाएं रजिस्ट्रेशन करा लें, बिल्कुल निशुल्क है, सिर्फ नंबर और ओटीपी के जरिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 3 तारीख को हम आपको एक एडमिट कार्ड दे देंगे, बस वहां लेकर आइएगा। वो भी रजिस्ट्रेशन हम नहीं कराते, लेकिन ये जरूरी इसलिए हो जाता है ताकि हमें पता तो चल सके कि कितने बच्चे आने वाले हैं, उसी हिसाब से हम तो क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे ना। आ जाइए 4 तारीख को कहां? रायपुर में। और 11 तारीख को कहां? दुर्ग में। तो दुर्ग वाले बच्चे भी तैयार हो जाइए, आपका भी रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लोकेशन कौन सा ही हम आपको बहुत जल्द बताएंगे क्रिएटिव के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, और वो भी एक बहुत ही खूबसूरत जो जगह है हमने दुर्ग में तय किया है, लेकिन कुछ प्रोसेस बाकी है तो हम आपको जल्द दुर्ग वाले बच्चों के लिए भी बताएंगे कि 11 तारीख को दुर्ग में क्या बेहतर होने वाला है। अब दूसरी बात कि हमने बोला कि बिलासपुर का अपग्रेडेड वर्जन, क्योंकि बिलासपुर में हमने एक प्रयोग किया था उससे काफी कुछ सीखा, अब इसका अपग्रेडेड वर्जन रायपुर में होने वाला है। रायपुर में आप लोगों के लिए एक और खास बात होगा, क्यों? क्योंकि 5 तारीख से कंपटीशन कम्युनिटी का सीजीपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आ रहा है और अगर आप इस क्रैश कोर्स को फ्री कराना चाहते हैं तो इस टेस्ट में हिस्सा बने और 1st से 20 रैंक तक जो टेस्ट पेपर होने वाला है उसमें अपना एक रैंक लगा लें। अगर 1st से 20 तक आप आ जाते हैं, आपका रैंक आ जाता है, तो 5 तारीख वाला क्रैश कोर्स जो कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स पर आधारित है वो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा, 7% साथ ही आपको 10% का डिस्काउंट कूपन भी मिल जाएगा ताकि आप टेस्ट सीरीज और बाकी चीज़ें आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और 21 से लेकर 50 तक आपका रैंक आता है इसी टेस्ट में तो हम आपको 25% का ऑफ दे देंगे इस क्रैश कोर्स में और साथ में 10% का कूपन भी देंगे। और 51 से 100 अगर आपका रैंक आता है तो भी आपको उदास होने की जरूरत नहीं होगी, निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी हम आपको 10% का कूपन देंगे। तो इस एक सोच के जरिए कंपटीशन कम्युनिटी के क्लासरूम को आप बिल्कुल फ्री करा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका हिस्सा जरूर बने। एक एडवांस्ड और बेहतर वर्जन हम लेकर आप सभी के शहर पहुंच चुके हैं रायपुर। डेट होने वाला है क्या? डेट होने वाला है 4 दिसंबर, सुबह 7 से 8 बजे तक होगा इस कैंपस में टेस्ट और 8 बजे से 9:30 बजे तक हमारे एक्सपर्ट्स करने वाले हैं यहां पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप इस कम समय में, कठिन समय में सीजीपीएससी प्री को कैसे क्रैक कर सकते हैं। लोगों के मन में आ रहा होगा कि रायपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी ही क्यों? रायपुर में तो बहुत सारे लोकेशंस हैं,
नालंदा परिसर है, इसके अलावा महादेव घाट है, ना जाने कितने कमेंट्स आए हैं हम सभी के पास। तो इस जगह के बेनिफिट्स को मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस जगह का एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। अब साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है, तो ये जगह बहुत आइकॉनिक है यार। इस जगह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैकड़ों की संख्या में अधिकारी अलग अलग पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं। तो जैसे ही आप गेट से एंटर करेंगे सेंट्रल लाइब्रेरी में, वैसे ही आपको एक अलग प्रकार की पॉजिटिविटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। आपको बच्चे बाहर भी आउटडोर कैंपस में, अंदर भी पढ़ते हुए दिखेंगे और आपके मन में एक मोटिवेशन की भावना आएगी कि मुझे भी जीवन में कुछ करना है और आगे बढ़ना है। जस्ट इमेजिन करिए कि सुबह 7 बजे आप इस गार्डन में आए और इस गार्डन में बैठ के क्या करें, एक टेस्ट लिखें, कितना मजा आएगा। अब ये जो टेस्ट है ना, कभी आपने सोचा है कि हम क्यों आउटडोर एनवायरनमेंट में कराते हैं? वो इसलिए कराते हैं ताकि आपकी तैयारी में जो मोनोटनी है ना वो ब्रेक हो। होता क्या है, हम घर में, लाइब्रेरी में, रूम में, कैंपस में या अपने कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं, रोज वही तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, कभी कभी बोर हो जाते हैं, बहुत मोनोटोनी जिंदगी में हमारी हो जाती है। हमको एक फ्रेशनेस चाहिए, इस मोनोटोनी को क्या करना है, ब्रेक करना है। इसीलिए सुबह 7 बजे के फ्रेश एनवायरमेंट में जब आप टेस्ट देंगे तो मानसिक तौर पर आप क्या हो जाएंगे, और रिचार्ज हो जाएंगे और आगे मेहनत करने के लिए हो जाएंगे तैयार। इस मामले में एक एक्सपीरियंस साझा करना चाहूंगा। एक्चुअल में ये जो एक सोच इनिशिएटिव है, ये रायपुर से पहले बिलासपुर में किया गया था, रिवर व्यू में। तो जब रिवर व्यू में ये मेंटरशिप सेशन शुरू हुआ, तब बहुत सारे छात्रों ने अपने सवाल पूछे। बहुत से ऐसे सवाल थे जो छात्र कहीं और पूछने से थोड़ा हिचकिचाते थे, संकोच करते थे। उन्हें लगता था कि उनका सवाल बहुत ही बेसिक है और अगर वो सवाल पूछेंगे तो कहीं लोग उन पर हंस ना दे। कई बार होता है ना कि ऐसा संकोच रहता है मन में। तो छात्रों को हमने इतना कंफर्ट दिया, इतना रिलीफ दिया कि वो इतने कंफर्ट जोन में चले गए कि वो अपने बहुत ही बेसिक सवाल भी हमारे सामने रख रहे थे और हम सब मिलकर उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे सवाल मन में होंगे कि इस 2 महीने में हम अपनी पढ़ाई की रणनीति क्या रखें, हम कैसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन रखें, रिवीजन कैसे करें, एमसीक्यू से कैसे सॉल्व करें, कौन सा कंटेंट पढ़ें, क्या सोर्स हम यूज करें, या फिर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करें। बदलता हुआ पैटर्न, खासकर अभी ये जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ाता है, बहुत सारे सवाल क्रिएट करता है ये बदलता हुआ पैटर्न। तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल आपके मन में होंगे। और उस दिन टेस्ट के बाद हम सब कंपटीशन कमिटी की टीम खड़े रहेगी आपके इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए, आपके सारे समस्याओं, सारे दुविधाओं का सवाल का समाधान लेकर हम उस दिन आपसे मिलेंगे। तो उस दिन आप जरूर आइए, आप 7 से 8 टेस्ट दीजिए, नेचर के बीच में आप कंपटीशन को फील करिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कंपटीशन को फील करिए और उसके बाद जो मेंटरशिप सेशन होगा उसमें शामिल होके अपने वो सारे सवाल हमसे पूछिए जिन सवालों के जवाब आप खोज रहे हैं, और उनके मिलने के बाद ही आपको लगता है कि आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो हम इंतजार करेंगे आपका रायपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी के प्रमाइसेस में और आपसे हम मिलते हैं उसी दिन। तो 4 दिसंबर को सेंट्रल लाइब्रेरी में रायपुर में जो टेस्ट होने वाला है, आई होप आप सभी ने उस पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। देखिए, इस टेस्ट से जुड़ने के कई फायदे हैं। सबसे पहली बात तो आपको कई फैकल्टीज ने, हमारी टीम ने आपको बताया ही कि ये पूरा टेस्ट आपका ओपन एनवायरनमेंट में होने वाला है, ओपन एटमॉस्फेयर में होने वाला है। तो जो आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे उसमें थोड़ा सा एनवायरमेंटल इफेक्ट तो पड़ेगा ही। इसके बारे में आप साइंस में पढ़ते होंगे कि किस तरह से प्रकृति के बीच में बैठ करके आपकी जो सोच है, आपका जो नजरिया है, वो एक अलग ही दृष्टिकोण आपका डेवलप होता है। तो ओपन एटमॉस्फेयर विल अफेक्ट यू पॉजिटिवली, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, देखिए अब ये दौर आ चुका है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू रिलेटेड आपकी अप्रोच रहे। तो हमारी कोशिश है कि ऐसे सारे लोग जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं वो एक बार टेस्ट देने की प्रैक्टिस करें। तो एक्चुअली में वहां पे हम क्योंकि एक ओपन टेस्ट रख रहे हैं, तो ओपन टेस्ट में हमारा मेन मकसद है कि ऐसे सभी लोग जो कि अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करे हैं या
क्या ऑब्जेक्टिव्स का ज़्यादा आपको आइडिया नहीं है, वो आकर के टेस्ट देने का अनुभव हासिल करें, एक तरह का एक्सपीरियंस हो, ना सिर्फ ओपन एनवायरनमेंट में टेस्ट देने का बल्कि टेस्ट देने का एक आकलन हो जाएगा, कंपटीशन मिल जाएगा। आप कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे एक लिमिटेड लोगों के बीच में आपकी सूची जारी होती है, आपकी रैंक जारी होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं तो ये ओपन टेस्ट है। कोई यहाँ का स्टूडेंट होगा, कहीं और का कोई स्टूडेंट आएगा, अलग अलग कोचिंग्स के लोग होंगे, सेल्फ स्टडीज वाले होंगे, तो उनके बीच में आपको आपकी रैंक, आपका नंबर पता चलेगा। तो ये एक तरीका है एक तरह से आपको एमसीक्यूज की तरफ मोटिवेट करने के लिए। तो हमने खासतौर पर सिर्फ और सिर्फ सेमिनार ना रख के ये जो टेस्ट रखा है तो आपको एमसीक्यू सॉल्विंग करने की तरफ हम एक मोटिवेशन देना चाहते हैं। जो ये पूरा टेस्ट होगा 50 क्वेश्चंस का, उसमें हम लेवल ऑफ पीएससी को जरूर ध्यान रखेंगे और उस पर हम कोशिश करेंगे कि जो पूरा 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर वन में, उसी लेवल के हम उसको 50 क्वेश्चंस में स्केल कर दें और वही लेवल ऑफ क्वेश्चंस उतनी नंबर और उतनी प्रपोर्शन में आपके क्वेश्चंस डालें। तो देखिए ये टेस्ट में जरूर जुड़े, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लें। मिलते हैं 4 तारीख को। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और आप सबके मन में एक उथल पुथल जो है मची हुई है। देखिए ना कितना खूबसूरत प्राकृतिक परिदृश्य, विशाल का वृक्ष है, प्राकृतिक हवा बह रही है, ठंडा माहौल है, गुलाबी ठंड है, सुनहरी धूप है। ऐसे ही प्राकृतिक माहौल में आप सभी को जब पढ़ना होता है तो आपकी मानसिक स्थिति उस समय बहुत ही अच्छी होती है। कहने का मतलब कि मानसिक परिस्थिति और आपके शैक्षणिक परिसर जो भी आपको माहौल प्रदान करेंगे उसमें आपकी सकारात्मक ऊर्जा में एक बहुत बड़ी बढ़त देखने को मिलेगी। ये याद रखिएगा कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, ये हासिल मुश्किल से होती हैं, मगर तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। तो कंपटीशन कमेटी आप सभी से यही अपील करता है, ऐसे समय में जब सीजीपीएससी की डेट अनाउंस हो चुकी है तो आपको यही जिद को बनाए रखना है और हर हाल में आपको एग्जाम को क्रैक करना है। बट एग्जाम क्रैक कैसे होगा, इसके लिए एक ऐसा सटीक और एक महत्वपूर्ण ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी। तो कंपटीशन कमेटी आप सभी सीजीपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक ऐसा ही प्रोग्राम लेकर आ रहा है। ये प्रोग्राम आप सभी को याद होगा, ये ऑलरेडी बिलासपुर में हो चुका था। अब कंपटीशन कमेटी के द्वारा सेंट्रल लाइब्रेरी में प्रातःकालीन 7 बजे 4 दिसंबर को कंपटीशन कमेटी एक सोच प्रोग्राम फिर से लेकर आ रहा है ताकि सीजीपीएससी एस्पिरेंट की राह और सरल और सुगम बन सके।